हे गाइस अशर, और आज की इस वीडियो में मैं यार आपको बताऊंगा कि आप अपना कैसे जो FCI AG3 का स्कोर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं पिछले काफी दिन से FCI AG3 के मॉक्स दे रहा हूँ, तो उसके अंदर मैंने एक चीज नोट करी कि भाई जो मेरा GS है, GS जो GK वाला जो भी पार्ट है वो मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है, बट जो 75 मार्क्स है वो मेरे हाथ में, जो कि है आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो चीज मतलब हो सकता है जिनकी GS अच्छी हो तो उनको दिक्कत भी नहीं है, उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट जिनकी GS इतनी अच्छी नहीं है, कम मार्क्स आ रहे हैं उसमें, बट मैथ्स रीजनिंग जो है ना आप इसको देखेंगे, अटेम्प्ट भी करेंगे तो आप देखेंगे इजी लेवल है, क्लरिकल के आसपास लेवल लगा लो या फिर SBI जूनियर असिस्टेंट वाला जो होता है ना टाइप वैसा, बल्कि उससे भी कम ही है थोड़ा, तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो उस पेपर के अंदर अच्छे। तो आपको क्या करना है, 75 जो मार्क्स आपके हाथ में है उसमें से आपको कम से कम 70 प्लस लाने। अब कई बंदों को लगेगा भाई इंग्लिश में तो बहुत कम आते हैं जिनका इंग्लिश वीक है, तो भाई इंग्लिश को थोड़ा देखो, इम्प्रूव करने की कोशिश करो। कहाँ से कर सकते हो, मेरा जो चीज मेरे लिए वर्क करी, मेरी इंग्लिश पहले से थोड़ी ठीक ठाक थी, और जो मैं मूवीज वगैरह देखता हूँ, अब नहीं देखता इतनी बट पहले बहुत देखता था, और वेब सीरीज हो गई, उससे मेरी काफी इंग्लिश में फायदा मिला है, क्योंकि जो उसमें जो स्पोकन इंग्लिश होती है वो बहुत अच्छे से आपको पता लगती है कैसी है। न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे काफी फायदा होता है, और जो वर्ड्स है अलग अलग वर्ड्स हमें पता लगते हैं कि यार ये कोई न्यू वर्ड है, मैलिग्नेंट है या फिर बिगविल है, कुछ भी ऐसे अलग अलग वर्ड होते हैं जो हम डेली में कम यूज करते हैं, बट है आपको लगता है इनमें एंटोनिम सिनोनिम वगैरह आ सकते हैं, तो आप वो चीज चेक कीजिए, उसमें से आपके मार्क्स बहुत इंप्रूव होंगे। तो इंग्लिश में अपने मार्क्स बढ़ाइए, मैथ्स और रीजनिंग में आपको बता रहा हूँ इतना लेवल है कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब मैं अपनी बात करता हूँ, तो आपको यहाँ पे वीडियो में दिख रहा होगा मेरे कितने मार्क्स आए हैं, ये जो मैंने रिसेंट एक मॉक दिया, तो यहाँ पे आप देखिए भाई मेरे क्वांट में जो है ना अटेम्प्ट कम है, तो मैंने क्या करा, मैंने नोट करा कि मेरे क्वांट में अटेम्प्ट कम हो रहे हैं, जबकि पेपर इजी है, बट फिर भी कुछ मेरे दिक्कत हो रही है दो तीन मॉक से, जो कि आपको दिख रहा होगा वीडियो में, मेरे अटेम्प्ट्स कम हो रहे थे। तो मैंने इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, मैंने इसके ना सेक्शनल जो होते ना टेस्ट वो देना स्टार्ट करा सिर्फ क्वांट का, तो उससे मेरी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ने से अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप देखेंगे सेक्शनल वाला मैंने दिया, एक दो ही देखे मेरी जो है ना अटेम्प्ट 20 तक हो गए, और एक्यूरेसी भी सही मेंटेन है, अच्छी खासी एक्यूरेसी आ रही है। तो आप ऐसे करके अपने जो है ना सेक्शन जो जो वीक है उसको बढ़ा सकते हैं। अब ये कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं बता रहा मैं, काफी लोगों को पता हो, काफी लोग कर रहे होंगे, पर जिन लोगों को दिक्कत आ रही है तो भाई प्लीज ये करके देखो, और बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि मैं बाहर हूँ अभी, बट मैंने कहा वीडियो बना देता हूँ, मेरे को लग रहा कि चलो बना देते हैं, लोग परेशान हो रहे होंगे जो भी दिक्कत कर रहे होंगे, जैसे मेरे को लगी, तो मैंने ऐसे इंप्रूव करा। आप खुद में अपनी चीज देखिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, आप खुद ही अपना सोल्यूशन ला सकते हैं, और अगर नहीं आ रहा तो बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, बहुत सारे सर हैं, बहुत मेंटोर हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए, सबकी स्ट्रेटेजी देखिए, जो आपको सही लगता है उसमें से वो पिक कीजिए एंड उसको फॉलो करते रहिए। तो बस मैंने ऐसे करा, मैंने सेक्शनल दिया और उसके बाद मेरा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट उनको दिखी, तो अब बाकी भी जो आगे इंप्रूवमेंट होगी फर्दर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और बस यही बताना था यार, अगर वीडियो में कुछ बुरा लगा तो उसके लिए ठीक है, सॉरी मैं क्योंकि सिंगल टेक में वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि फिर एडिट वगैरह में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए तो बस यही था यार मेरी स्ट्रेटेजी छोटी सी आपको बतानी थी कि FCI में आपके ऐसे अटेम्प्ट्स बढ़ पाए, और GS GK का ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई उसमें मेरे अच्छे अटेम्प्ट हो, क्योंकि जब आप ऐसे सोच के चलेंगे 75 में से लाना तो नंबर कम आएंगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे GS में कम से कम 15 के आसपास आ जाए मार्क्स, तो ठीक है उसके लिए कर रहे हैं मेहनत, वो हो जाता है वहाँ पे 70 वहाँ हो जाएंगे, तो मतलब मान के चलो अगर 70 प्लस वहाँ आ रहे हैं और 10-15 नंबर वहाँ, तो 80-85 मार्क्स में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं बाकी, बाय बाय।